नमस्कार, आज हम जानेंगे ऋतुचर्या और खास करके शरद ऋतुचर्या के बारे में। सबसे प्रथम देखते हैं ऋतु क्या होती है। केवल एक ही ऐसा देश है जहां पर ऋतु का विभाजन व्यवस्थित रूप से हुआ है, वो देश है हमारा भारत। ऋतु सूर्य के परिभ्रमण के अधीन होती है। सूर्य का जो परिभ्रमण होता है और उसके अनुसार जो पृथ्वी तल पर खास करके भारत में जो वातावरण परिवर्तित होता है, वो वातावरण परिवर्तित एक 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 प्रकार से होता है और उसको हम ऋतु के नाम से जानते हैं। ये ऋतु की बात चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में, भाव प्रकाश नामक ग्रंथ में एवं खास करके सारंगधर संहिता में बताई गई है। ज्योतिष शास्त्र के हेमाद्री नामक ग्रंथ में भी ऋतुचर्या की बात आती है, उसमें खास करके ऋतु की बात बताई गई है। उसमें ये बताया गया है कि दो राशि पर सूर्य जब निकलता है और उतना काल जो होता है उसको एक ऋतु बताया गया है। जैसा कि बताया गया है, मृगादि राशि द्वयभानुभोगात ऋतु। ऋतु का क्या अर्थ किया है? मृगादि राशि द्वयभानुभोगात, अर्थात मृगादि जो राशि है वो दो राशि पर जब सूर्य निकलता है वहां से स्टार्ट करके जब एक पूरा करके दूसरी राशि को पूरा करते हैं तब यहाँ पर एक ऋतु मानी गई है। तो एक राशि का एक महीना होता है, दो राशि यानी कि दो महीने, तो अर्थात हुआ दो महीने की एक ऋतु। साधारणता से हम चार चार महीने की एक ऋतु, जैसे ठंड का मौसम, जैसे गर्मी का, जैसे वर्षा का यानी कि बारिश का, ये से गिनते हैं। लेकिन शास्त्रों की दृष्टि से छह ऋतु, दो महीने की एक ऋतु मानी गई है और उसके हिसाब से ही आहार और विहार का वर्णन आयुर्वेद के संहिताओं में किया गया है। तो सर्वप्रथम चरक, सुश्रुत, वाग्भट, भाव प्रकाश एवं सारंगधर ने अलग अलग ऋतुओं का वर्णन किया है, तो आज हम वो देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं ऋतुचर्या की आवश्यकता क्या है। शरीर में वात, पित्त और कफ का इनबैलेंस होता है इस समय पर, क्योंकि वातावरण परिवर्तित होता है। इसलिए इस समय पर जब ऋतु बदलती है तब रोग होने की संभावना सबसे ज्यादा बढ़ जाती है, और उसको बैलेंस करने के लिए, वात पित्त और कफ को बैलेंस करने के लिए आयुर्वेद ने ऋतुचर्या बताई है। इसलिए भाव प्रकाश नामक ग्रंथ में भाव मिश्र जी ने बताया है दिनचर्या, रात्रिचर्या, दिनचर्या, निशाचर्या, ऋतुचर्या यथोदितान, आचरण पुरुष स्वस्थ सदा तिष्ठति नान्यथा, यानी कि इसका पालन करते ही व्यक्ति सदा के लिए स्वस्थ रह सकता है, अन्यथा नहीं। उसमें दिनचर्या, फिर आई निशाचर्या यानी कि रात्रिचर्या, और उसके बाद आई ऋतुचर्या। अब आज हम देखते हैं ऋतुचर्या। ऋतुचर्या में सुश्रुत संहिता की मत से थोड़ी और ऋतुचर्या बताई गई है, चरक में और थोड़ा वर्णन है, लेकिन सबसे एप्रोप्रिएट आज के काल में और हमारे जो पूर्व भाग है खास करके भारत के, उसके ऋतु के अनुसार जो वर्णन प्राप्त होता है वो सारंगधर संहिता में प्राप्त होता है। सारंगधर संहिता में भी राशि के अनुसार ऋतुओं का विभाजन किया गया है, तो वो राशि के अनुसार हम विभाजन देखें तो शरद ऋतु यानी श्रावण और भाद्रपद का मास, ये अधिक मास होने से दूसरा श्रावण और भाद्रपद का पूरा मास यहाँ पर ऋतु शरद ऋतु से लिया जाएगा। वो तीन प्रकार की जो आयुर्वेद की संहिताओं में विभाजन है, तो एक तो मास के अनुसार है यानी कि कौन सा महीना है उसके हिसाब से विभाजन किया गया है, दूसरा राशि के हिसाब से भी विभाजन किया गया है, और तीसरा लक्षण के हिसाब से भी विभाजन किया गया है कि अभी कैसा वातावरण है उसके हिसाब से भी विभाजन होता है। प्रथम मास के हिसाब से देखें तो श्रावण और भाद्रपद का मास अभी शरद ऋतु कहलाएगा। सारंगधर संहिता के रूप से देखें तो तुला वृश्चिक यो शरद, यानी कि तुला और वृश्चिक में जब सूर्य पास होता है दो राशि में से, तब यहाँ की जो ऋतु है वो शरद ऋतु कहलाएगी। आगे देखें तो बारिश की समाप्ति के बाद जब धूप निकलती है और वो कड़ी धूप हमको लगती है, पसीना आता है वातावरण में, जो एक प्रकार की गर्मी महसूस होती है, तो वो शरद ऋतु का आरंभ माना जाएगा, वो है लक्षणों के हिसाब से। अभी पूर्व भारत में ये सारे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, यानी कि अभी शरद ऋतु की शुरुआत हो चुकी है।
तो अब शरद ऋतु में क्या खाना क्या नहीं खाना और क्या ध्यान रखना उसकी हम बात करेंगे। वेदों में सबसे ज्यादा रोग करने वाली जो ऋतु है वो शरद ऋतु बताई गई है। इसलिए जो वेद में आशीर्वाद प्राप्त होते हैं वो ये होते हैं कि जीवे म शरद शतम मोदा म शरद शतम, यानी कि शरद में जो जी गया वो पूरे साल जिंदा रहेगा। जीवे म शरद शतम, 100 शरद जियो, 100 साल जियो, इसके बदले में कहा 100 शरद जियो, क्योंकि शरद में जीना सबसे ज्यादा कठिन होगा। मोदा मत शरद शतम, यानी कि आनंदित शरद में रहो, यानी कि सबसे ज्यादा दुखी होने की संभावना शरद ऋतु में होगी। तो शरद ऋतु में सबसे ज्यादा ध्यान रखना स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, ये बात निर्दिष्ट की गई है। आयुर्वेद में यदि हम देखें संहिताओं में, तो यहां पर रोगाणाम शारदी माता पिता च कुसुमाकरः ऐसा बताया है, यानी कि रोगाणाम शारदी माता, और दूसरा पाठ ऐसा भी है वैद्यानाम शारदी माता, यानी कि रोगों को जन्म एक दो प्रकार से जन्म देती है माता, दो प्रकार की माता होती है, यानी कि माता का दो प्रकार का रोल होता है, एक तो जन्म देने का और एक पालन पोषण करने का। इसमें यदि प्रथम अर्थ देखें तो रोगाणाम शारदी माता, यानी सबसे ज्यादा रोगों को जन्म देती है शरद ऋतु। दूसरा वैद्यानाम शारदी माता, रोग होने से वैद्यों का पोषण होता है, तो पोषण देने के लिए यह भी पद बताया गया है वैद्यानाम शारदी माता, यानी कि वैद्य का पोषण सबसे ज्यादा शरद ऋतु में होता है, यानी कि सबसे ज्यादा चलता है डॉक्टरों का वैद्यों का यही ऋतु में। अब इसके आगे हम देखते जाएंगे क्यों ऐसा होता है और उसके लिए हमको क्या करना चाहिए। सबसे प्रथम देखते हैं आयुर्वेद का त्रिदोष का सिद्धांत है, वो पूरा वातावरण को भी एक बहुत बड़ा फैक्टर माना गया है, आहार को भी फैक्टर माना गया है, विहार को भी माना गया है, उससे वातावरण को भी माना गया है। वातावरण में जब सूर्य अलग अलग राशियों में से पास होता है तब वातावरण बदलता है, और वो बदला हुआ वातावरण हमारे त्रिदोष पर असर करता है, और वो दोष इनबैलेंस होने से रोग होते हैं। उसमें खास करके वर्षा ऋतु में जब संचित हो गया पित्त, तीन होता है, एक संचय होता है, एक प्रसर होता है और एक प्रशम होता है। संचय यानी कि एकत्रित होना, बाहर अनुकूलता नहीं होती है तो अंदर ही दोष एकत्रित होने लगते हैं। उसके बाद जैसा ही अनुकूल वातावरण हुआ वो भड़क उठते हैं, और उसके बाद विपरीत वातावरण फिर से आता है, फिर से वो शमित हो जाते हैं। तो उस तरह से जैसे मनुष्य का स्वभाव है, जैसे बल को प्राप्त नहीं है तब तक वो क्या करता है, बल को शक्ति को बढ़ाता है, जैसे ही प्रबल हो गया वो आक्रमण करता है दूसरे के ऊपर, और फिर दूसरा प्रबल हो गया विपरीत हुआ तो वो फिर से ठंडा बैठ जाता है। उसी तरह से दोष का भी यही स्वभाव है। वर्षा ऋतु में पित्त जो है वो एक पित्त जो संचित होता है, और पित्त जो है वो भाद्रपद ऋतु यानी शरद ऋतु में प्रकोपित होता है, इसलिए बताया गया शरद ही पित्तम कुपियति, यानी कि शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है। पित्त का प्रकोप यानी अग्नि का प्रकोप, यानी कि आग्नेय जो पित्त है शरीर में गर्मी का बढ़ना, साधारण रीत से शरीर में गर्मी का बढ़ना यानी कि प्रकोपित होना होता है। क्यों? क्योंकि बाहर उसके अनुकूल वातावरण अब हो गया है, इसके लिए पित्त का प्रकोप होता है। इसके लिए क्या क्या करें, हम ये महसूस कर सकते हैं दूसरी ऋतु से ज्यादा हमको अम्लता यानी कि थोड़ा एसिडिटी का, गर्मी का, थोड़ी झंझनाहट, थोड़े जो हम कहते हैं उसको तंद्रा, ये सब इसी ऋतु में हमको प्रतीत होती है। सिर का दुखना, एक विशिष्ट प्रकार की सर्दी होना, बुखार आना, ये सब भी रोग इसी ऋतु में होते हैं। वायरल भी इसी ऋतु में ज्यादा फैलते हैं, तो इसमें पित्त का प्रकोप होता है। इसके लिए क्या क्या करें, तो सर्वप्रथम आयुर्वेद में रोगों का आहार के साथ भी संबंध जोड़ा है और आहार का रस से साथ संबंध जोड़ा है। तो कौन से पदार्थ किस किस रस वाले न ले वो भी आयुर्वेद में बताया गया है, और किस रस वाले ले ये भी बताया गया है। तो सर्वप्रथम ये बताया गया है कि इस ऋतु में क्या क्या खाए। महर्षि वाग्भट ने अष्टांग हृदयन नामक ग्रंथ में बताया गया है कि तिक्तम स्वादु कषायं च क्षुधितान्नं भजेत लघुः शालिमुद्गम शीताधात्री पटोल मधुजांगलम।
यानी कि कौन से पदार्थ यहाँ खाने चाहिए, वो संक्षिप्त में कहते हैं, एक तो मधुर रस वाले मीठे पदार्थ इस ऋतु में खाने चाहिए। सबसे प्रथम लिख लीजिए, मधुर रस वाले पदार्थ यानी कि मीठे पदार्थ खाने चाहिए। इसके लिए श्राद्ध का महीना आएगा, उसमें हम दूधपाक खाएंगे, खीर खाएंगे, सारी की सारी वस्तु ऐसी खाएंगे जो मधुर होगी। दूसरा तिक्तम यानी कि कड़वा, कड़वे पदार्थ भी इसमें खाने चाहिए। तिक्तम स्वादु कषायंच, तुरे पदार्थ यानी कि कशेला जिसको रस कहते हैं वो भी खाना चाहिए। यानी तीन रस बताया, कड़वा, कशेला, मधुर, ये तीन रस का सेवन इस ऋतु में करना चाहिए। दूसरा, भूख लगने पर ही भोजन करना चाहिए। जब दो बातें आए, भोजन करूं या न करूं, तो इस ऋतु में तो खास भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षुधित होना, अग्नि का प्राबल्य होना बहुत जरूरी है। दूसरा, लघु अन्न को खाना चाहिए। ठंड की ऋतु आएगी तब हम ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाएंगे, क्योंकि तब जठराग्नि प्रबल होगी। लेकिन इस ऋतु में तो क्या, किस तरह का अनाज खाना चाहिए, किस तरह का अन्न लेना चाहिए, किस तरह का डाइट लेना चाहिए, तो बताते हैं लघु, यानी कि पचने में आसानी हो। तो ऐसे कौन से पदार्थ है, इसलिए अगली पंक्ति में बताए शाली यानी कि चावल। चावल इस ऋतु में सबसे ज्यादा अच्छा है, जो शाली धान्य कहते हैं जिसको, तो उसमें शाली यानी कि चावल, चावल हम अच्छी तरह से खा सकते हैं। उसकी खीर बनाकर चावल के अधिक मात्रा में इस ऋतु में खा सकते हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं चावल इस ऋतु में। इसके लिए पहले बताए शाली, मुदगम यानी कि मूंग, मूंग इस ऋतु में सबसे अच्छे है। मूंग का पानी, मूंग, ये सब इस ऋतु में ले सकते हैं। दोपहर के भोजन में सुबह खाली पेट भी इसका पानी पी सकते हैं, रात्रों खिचड़ी बनाकर खा सकते हैं। सीता यानी शर्करा, खड़ी शक्कर यानी मधुर रस वाली, ये भी इस ऋतु में खा सकते हैं। खास करके धात्री यानी कि सूखे आंवले का चूर्ण, नए आंवले अभी आएंगे, उसकी ऋतु अभी आएगी। अभी जो धात्री बताया गया है वो आंवले की चूर्ण, आंवले की टेबलेट या किसी भी प्रकार का आंवले का फोम इस ऋतु में अच्छी तरह से सेवन करना चाहिए। और आगे मधु यानी कि हनी, वो भी इस ऋतु में सेवन करना चाहिए। और घी खास करके इस ऋतु में खाना चाहिए। तो इतना खाना है, और क्या क्या करना है तो बताया, विरेचन, पित्त के लिए विरेचन सबसे श्रेष्ठ है। रोज अरड़ का एक चम्मच सुबह या रात को पानी के साथ या घी के साथ प्रतिदिन लेना चाहिए, तो उससे विरेचन होगा। और यदि ये विरेचन आपने 15 दिन कर दिया तो बुखार आने की संभावना या कोई भी प्रकार के वायरल इन्फेक्शन की संभावना बहुत कम हो जाएगी। तो विरेचन इस ऋतु में सर्वश्रेष्ठ कर्म है। दूसरा, रक्त मोक्षण, जिसको चमड़ी के रोग है वो आयुर्वेद का रक्त मोक्षण करा सकते हैं। घी का स्नेहन भी इस ऋतु में बहुत श्रेष्ठ है। थोड़ा थोड़ा घी का सेवन करना, क्योंकि भाद्रपद में घी सबसे श्रेष्ठ आता है, घी का सेवन भी थोड़ा थोड़ा करना है। अरड़ के साथ घी लिया या अरड़ को खड़ी शक्कर के साथ लिया, वो बहुत ही उत्तम संयोजन होता है, रसायन होता है, और भाद्रपद में सेवन करने के लिए बहुत अच्छा होता है। आगे क्या क्या छोड़ना है, भाद्रपद ऋतु में खास करके धूप कड़ी होगी, इसके लिए भूलकर भी धूप में बाहर न निकले। खास करके 11 से 4 बजे तक का समय होता है, वो कड़ी धूप का समय होता है, उसमें बाहर नहीं निकलना है। निकलना पड़े तो माथे पर कुछ ओढ़कर निकलना है। खास करके खट्टे पदार्थ नहीं खाने हैं भूलकर भी। यदि खट्टा खा लिया पित्त का प्रकोप होगा और बुखार आने की संभावना होगी। दही खास करके नहीं खाना है इस ऋतु में, क्योंकि दही की खट्टे होने की संभावना इस ऋतु में सबसे ज्यादा होगी। आगे लवण, अलग अलग प्रकार के क्षार है, मीठा मतलब लवण है, वो लवण भी नहीं खाना है, यानी नमक सबसे कम खाना है इस ऋतु में या छोड़ देना है। आगे जाकर तीखे, फरसाण है, नमकीन है, तीखे पदार्थ है, वो भी इस ऋतु में नहीं खाने हैं। इतना ध्यान इस ऋतु में रखना है तो हम अच्छी तरह से स्वस्थ रह पाएंगे। और ये ऋतुचर्या का पालन करके तीन रस का सेवन करके, तीन रस को छोड़ करके, और इतने विहार का हम पालन करेंगे तो शरद में हम स्वस्थ रह पाएंगे और शरीर में दोषों की समता रख पाएंगे। नमस्कार।